यातायात पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग टीम द्वारा एक बार फिर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर उसकी जान बचाई गई है। हनुमान मंदिर चरोदा के पास टैंकर चालक द्वारा अचानक ब्रेक मारने से हाईवा टैंकर के पीछे जाकर टकरा गई, जिससे हाईवा का केबिन क्षतिग्रस्त होने से चालक अनुज उसमें बुरी तरह फंस गया, जिसे हाईवे पेट्रोलिंग द्वारा केबिन को कटर मशीन से काटकर चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान वहां उपस्थित गुड मेटेरिटन पंकज पाल, संदीप सिंह, हसन खान द्वारा पुलिस की मदद की गई। इसकी जानकारी ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने दी है। रायपुर से दुर्ग जो हाईवे, हमारे चार हाईवे पेट्रोलिंग लगातार पेट्रोलिंग करती है, और जैसे ही सूचना मिलती है तो तत्काल स्पॉट पहुँचती है, घायल व्यक्ति की मदद करती है। वैसे ही हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चरोदा बस स्टैंड के पास एक ट्रेलर और ट्रक में एक्सीडेंट हो गया है, और जिसमें चालक उसमें ट्रेलर में फंसा हुआ है। तो तुरंत हमारी हाईवे पेट्रोलिंग मौके पर पहुँची है, और हमारे सभी हाईवे पेट्रोलिंग में उसमें सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें कटर है, उसमें ब्लेड है और इसके सेपरेटर है। तो उस कटर के माध्यम से जो केबिन को काटा गया, और काटने के बाद जो चालक फंसा हुआ था उसको निकाला गया, और उसके बाद उसको जो 108 पेट्रोलिंग था, 108 की गाड़ियां थी, उसमें सुरक्षित भेजा गया। उसमें 25 से 30 मिनट का समय लगा, और सभी जवानों को हम लोगों ने प्रशिक्षित करके रखा हुआ है कि किसी भी स्थिति में जो एक्सीडेंट होता है, चाहे घायल को किस प्रकार का इलाज करना हो, किस प्रकार की यदि कोई गाड़ी एक्सीडेंट होगी, फंसी हुई, किस प्रकार का उसको निकालना है सावधानीपूर्वक। तो उसमें जो कटर के माध्यम से निकाला, उसकी जान बचाया, तो बहुत ही अच्छा काम किया, और समय पर उसका अस्पताल पहुँचाया गया, जिससे उसका जान भी बच सकी है और उसको वो सुरक्षित भी है।